झारखंड के साहिबगंज जिले में बीती रात कुछ अज्ञात अपराधियों ने जैप 9 के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों के मरने वाले जवान का नाम राकेश ओझा है। जानकारी के अनुसार महज 2,000 रुपए के लेन देन में राकेश को गोली मारी गई है। वहीं आनंद फानंद में घायल जवान को नजदीकी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे के आसपास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सदर DSP ने बताया कि लालजी यादव नामक आपराधिक छवि व्यक्ति के पास सिपाही राकेश ओझा का 2,000 रुपये बकाया था। राकेश ओझा द्वारा अपना पैसा मांगे जाने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद योजना बनाकर अपराधी ने जवान को गोली मार दी। पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए रात से ही छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के सूचना मिलते ही SP अनुरंजन और DC रामनिवास ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इधर साहिबगंज की मुख्य सड़क को ग्रामीणों को ने जाम कर दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन किया। खैर, इस मामले पर विपक्षी दलों ने एक बार फिर से हेमंत सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं।